क्लासेस और आप सभी का राधे कृष्ण क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। तो आपको पता होगा वैसे हम सभी हिंदी में क्लास टेंथ के लिए रस पढ़ लिया था और उसके अलावा हमने अलंकार भी पढ़ लिए थे। तो एक दो नंबर पे मैं हमारा एक जो बिल्कुल कंफर्म होते हैं कुछ नंबर हिंदी में, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। हमें एक छंद भी होता है, तो छंद में जो है आपके लिए यहाँ पर 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में यहाँ पर पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल कंफर्म होते हैं और ये 3 के नंबर होते हैं मेरी तरफ से। मतलब ऐसा देखा जाए तो ये 3 के नंबर होते हैं क्योंकि एकदम फिक्स होते हैं कि ये आना ही आना है, तो उनके लिए उतना ज़्यादा कुछ परेशानी होती है। चलिए छंद हम समझते हैं छंद क्या होते हैं। चलिए तो हम छंद की परिभाषा समझते हैं। छंद की परिभाषा क्या होती है? तो छंद, पहले तो आपको छंद का अर्थ समझ में आना चाहिए। छंद का अर्थ क्या होता है? तो छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन। ये छंद का अर्थ बंधन होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि के नियमों से जो बंधी पंक्तियों को ही छंद कहते हैं। जैसे कि ये इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको फिर हम आपको समझाते हैं। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि छंद का अर्थ क्या होता है। छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन। छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद का अर्थ होता है बंधन। अब बंधन होता है इसका अर्थ वो तो ठीक है। अब इसको परिभाषा देखो, जैसे कि वर्ण, मात्रा, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि के नियमों से आदि के नियमों से बंध ही पंक्तियों को, बंधी पंक्तियों को छंद कहते हैं। छंद कहते हैं। अब ये तो हो गई आपकी परिभाषा। अब इसके पहले समझिए आप कि छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंग एक बैठने अंग एक हेडिंग डालिए। इसके अंग होते हैं, ये 6 टाइप के होते हैं। इसके 6 अंग होते हैं, सॉरी कितने, 6 अंग होते हैं। लिख लीजिए छंद के 6 अंग होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। पहला क्या है, इसी तरह लिख के आइए। पहला क्या है? बर्ड। दूसरा है आपका क्या? ये तो आपका बर्ड हो जाएगा, मात्रा, चरण, बर्ड एक हो जाएगी मात्रा, तीसरा हो जाएगा आपका चरण, बर्ड, मात्रा, चरण, यति, पांचवा हो जाएगा आपका गति, छठवा हो जाएगा आपका तुक। बर्ण, मात्रा, चरण, यति, गति, तुक, ये होगा छंद के अंग। अब होते हैं छंद के प्रकार। देखिए इन्हीं सब चीज़ों से देखिए पंक्ति बनी होती है, कैसे बर्ड से होती है, उसके कुछ मात्रा होते हैं, उसमें कितने चरण हैं, 4 चरण हैं या उससे 2 चरण वाली या 4 चरण वाली पंक्ति है या 8 चरण वाली है, तो ये 7-6 चरण होते हैं। यति होती है किस लय में गति में गाई जा रही है, ये होती है इस पर क्या तुक बन रहा है, लय बन रही है, तुक बन रहा है, ये सब इन्हीं को ही छंद कहते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। छंद के प्रकार हेडिंग डाल दीजिए, इसके प्रकार। इसके 2 प्रकार के होते हैं। क्या है? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके भाई? 2 प्रकार यही लिख रहे हैं। पहला है आपका मात्रक, जो मात्राओं के आधार पर होता है। दूसरा है यही लिख रहे हैं वर्ण, जो वर्ण के आधार पर
होता है, ठीक है। ये क्या मात्रक दिखाया गया बैनर, आप इतने को नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर एक के बारे में समझेंगे, मात्रक छंद के बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। ओके, तो आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तब हम मात्रिक छंद को समझते हैं। मात्रिक छंद की डेफिनेशन मैं लिख जाऊँगा नहीं, मैं केवल ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मात्रिक छंद क्या होता है? मात्रिक छंद वो होता है जिस छंद में मात्राओं की संख्या पर विचार होता है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्योंकि मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा मात्रिक छंद, तो जिसमें जिस छंद में या जिस छंद में मात्राओं की संख्या पर विचार होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जिसमें वर्ण की संख्या पर विचार होता है वर्ण की संख्या पर विचार होगा वो वर्णिक छंद, जिसमें मात्राओं की संख्या पर विचार होगा वो मात्रिक छंद हो जाएगा। सिंपल से है, इतना ही सर, आपको इतना ही समझना। इसके बाद जो मेन टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। मेन हमारा टॉपिक है क्या? चौथा, चौथा को समझते हैं। ये टेंथ क्लास में इंपॉर्टेंट है, ये आने की वेरी वेरी पॉसिबिलिटी है। ये दो ही आपके सिलेबस में है, दो ही मैं आपको बताऊंगा। पहला क्या रहेगा आपका? चौथा। पहला क्या है? चौथा। चौथा की डेफिनेशन क्या है? पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ, उसके बाद कैसे पता करते हैं इसमें कितनी मात्रा है या नहीं है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, क्या है? यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। क्या है? यह है, यह क्या है? यह एक अर्ध सम मात्रक छंद है। यह एक अर्ध सम मात्रक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में तो डेफिनेशन आपको दिख रही है कि मैंने पूरा लिख दिया, इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या है, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में, इस वाले में ये हो जाएगा आपका पहला और ये हो जाएगा आपका दूसरा और ये हो जाएगा आपका तीसरा और ये यहाँ तक हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका चौथा। तो ये हो जाएगा आपका पहला और तीसरा, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा चौथा, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और यह जो है दोहे का उल्टा होता है। दोहा क्या था? दोहा ये था, मेरी वह बाड़ा हर राधा नागर सोई, जातन की झाई करें श्याम हरित दुति होई। ये आपका दोहा था, लेकिन ये दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है चौथा। तो आइए इसकी हम मात्राएँ को निकालते हैं। जब भी डबल मात्रा होती है, बड़ी की जो मात्रा होती है, जैसे बड़ा आ की मात्रा हुई, बड़ी ई की मात्रा हुई, बड़ा ऊ की मात्रा हुई, उसके बाद ए की आई की मात्रा हुई, उसके बाद औ की मात्रा हुई, ओ की ओ औ ऐसी मात्रा हुई, तो उनको हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंगल मात्रा होती है तो उसको इसके द्वारा करते हैं। तो ये आपको इसे शॉर्ट से ध्यान रखना। जैसे ये गा बड़ा है, इसलिए इसके लिए साथ डबल मात्रा आएगी। धा बड़ा है, इसके लिए भी इसके साथ डबल मात्रा आएगी। ना बड़ा ना है, इसलिए ये आएगा। छोटा है, इसलिए एक आएगा। और इसके लिए ये छोटी की मात्रा है, छोटी के साथ भी एक ही आएगा। ये ओ की मात्रा है, इसके साथ डबल आएगा। ये बड़ी की मात्रा नहीं है, ये छोटी की मात्रा है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से और निकाल के चलिए, फिर मैं लास्ट में आपको सब बता रहा हूँ। एक ही मात्रा है, इसके साथ आपके पास दो आएगा। बड़ी की मात्रा है, दो आएगा। छोटी की मात्रा है, एक छोटा है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल आ जाएगा। ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये छोटा है, ये लेकिन बड़ा है, इसके साथ डबल आएगा। इसी तरह से नीचे की तरफ निकालते हैं, ये आधा होता है, आधे के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। आधे के साथ यहाँ लिख दे रहे हैं, आधा अक्षर के लिए कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। आधे अक्षर के साथ कोई भी मात्रा नहीं होती है। उसके बाद देखिए, आधा सा के लिए कोई नहीं होगा, बड़ा के लिए एक होगा, छोटा के लिए सिंगल हो जाएगा। ये छोटा छोटा छोटी के लिए सिंगल, छोटा के साथ छोटी के साथ कोई सिंगल सिंगल मात्रा। ये हो के लिए ओ डबल आएगी, ए बड़ी के लिए भी डबल आएगी। उसके बाद जा के लिए डबल आएगी, छोटा के लिए सिंगल सिंगल, बड़ी के लिए डबल आएगी।
बड़ी के लिए डबल और इसके यहाँ पे ढाई के लिए छोटी की मात्रा होगी जीरो आएगी सिंगल, ठीक है। उसके बाद ये आएगी लेकिन ये सब डबल आएगी, तो इस तरीके से मात्रा निकाली जाती है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हम जैसा कुछ उदाहरण बताया गया उस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। इससे पहले यदि से थोड़ा मैं पूरा 11 मात्रा होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, 11 यहाँ कितनी मात्रा है, यहाँ 11 मात्रा है, कितनी मात्रा है 11 मात्रा है, 11 मात्रा यहाँ चेक करिए, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 यहाँ कितनी मात्रा है, यहाँ पर 13 मात्रा है, यहाँ चेक करिए आगे के लिए कोई दिक्कत है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 यहाँ कितनी मात्रा है, यहाँ पर 11 मात्रा है, यहाँ चेक करिए 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 दोबारा चेक करिए इसको, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है ना, सॉरी बड़ी ई की मात्रा थी, यहाँ पर 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 यहाँ पे भी कितना है 13 मात्रा है, यहाँ पे भी 13 मात्रा है। इस तरीके से चौथा आई है पाप के समय में आ गया। पहले आपने दोहा सीखा होगा, उसमें भी ऐसे निकाली जाती है, 9th क्लास में आपको जरूर सीखा होगा, नहीं सीखा है तो यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद घर पर एक दो बार ट्राई कीजिएगा आ जाएगा। अच्छा चलिए अब हम दूसरे पर चलते हैं जो कि है रोला। दूसरा पार्ट है आपके लिए रोला, दो ही आपको पढ़ाने थे, एक चौथा मैंने समझ लिया, दूसरा है रोला। रोला में हम क्या देखते हैं, रोला जो होता है वो चार पंक्तियों वाला होता है, जिसमें चार पंक्तियाँ हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, इसमें देखिएगा तो इसमें चार की चार पंक्तियाँ आपको दिख रही हैं। तो रोला का है एक चार पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है, इसमें सममात्रा होते हैं, सममात्रिक छंद है, इसमें आठ चरण होते हैं, दिख रहा होगा आपको, जैसे कि मैं समझाता हूँ, ये पहला हो गया, ये दूसरा है, इसलिए ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवा, ये सातवा और ये आठवा, ये आठों चरण होते हैं इसमें दिख रहे हैं। इसमें जो पहले चरण है और दूसरे चरण, इसी तरह तीसरे और चौथे, यानी पहले तीसरे पांचवे सातवें चरण में सेम मात्रा होंगी, और दूसरे चौथे छठवें आठवें चरण में सेम मात्रा, यानी पहले तीसरे चौथे पहले तीसरे पांचवे सातवें चरण में 11 मात्रा और इस साइड वाले में यानी दूसरे चौथे छठवें आठवें वाले में 13 मात्राओं के साथ ये होते हैं। तो इसका उदाहरण आपको दिख रहा होगा, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निजवल से बल में मेरे बुधर्मी मुगल पुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, ये हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति जी शिवाजी। तो यह शिवाजी के बारे में इसमें इस दोहे में बात की हुई है, आइए इसकी हम मात्राओं के थ्रू इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, मतलब यह यहाँ पे दो मात्राएं चलने वाली हैं, ये चलेगी दो, यहाँ पे भी आपकी दो आएगी, यहाँ पे भी दो आएगी, यहाँ पे भी दो आएगी, यहाँ पे एक आएगी, एक दो यहाँ पे आएगी, तो काउंट कर लीजिए ना, 2, 4, 6, 8, 10 और 11 मात्रा होंगे। इसके साइड वाले देखिए जिन्होंने एक मात्रा, आधा ना की कोई नहीं, दो की मात्रा है तो दो, इधर भी एक ही मात्रा है तो दो, ये भारत में डबल आएगी, सिंगल सिंगल डबल डबल चेक करिए, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 ट्वेल्व कैसे हो रही है, यहाँ पे हम अपने 13 चेक करिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो रही है, मतलब कहीं ये नाम एक ही मात्रा के साथ डबल आएगी, आप सही आ रही, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 13 इसी तरीके से आपको पूरी की पूरी निकालनी होगी। मैं आपको सिखा चुका हूँ इसलिए आप इसको दोबारा सीखिएगा और करिए, ठीक है। मैं एक और का बता दे रहा हूँ, बाकी दो की आपको खुद निकालनी है, ठीक है। नहीं ना की छोटी की मात्रा है तो एक आएगी, यहाँ एक आएगी, यहाँ एक आएगी, यहाँ एक आएगी, यहाँ दो आएगी, यहाँ एक आएगी, एक यहाँ एक आएगी, यहाँ पे भी एक आएगी, यहाँ एक, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 एक गड़बड़ है, यहाँ पे दो आएंगे, दो आएंगे, नहीं नहीं सिंगल आएगी, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
एक मात्रा कहीं कम हो रही है, हाँ यहाँ पे ही आएंगे सही है। ये दो आएंगे, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये है। इधर देखो छोटी की मात्रा दो आएंगे, एक बड़ी की मात्रा है दो आएंगे, एक, दो, चार, छः, पाँच, छः, सात, आठ, दस, ग्यारह, तेरह। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी निकालनी है, आप उनको निकालिएगा और करके ज़रूर निकालिएगा। तो आपको ये सब मैंने पूरा बता दिया है जो क्लास टाइम के लिए इम्पोर्टेंट था, तो इतना बोला, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे जो अपने फैमिली और दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।